भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए दिन रात आपकी सेवा में जुटा है। 2014 में जो मजबूत सरकार दिल्ली में आप सबके आशीर्वाद से मुझे सेवा करने का मौका मिला, उसके कारण ही दुनिया में आज हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। साथियों, मुझे बताइए कि कोई राष्ट्र अपनी रक्षा नीति को मजबूत किए बिना विश्व शक्ति बन सकता है क्या? बन सकता है क्या? जो राष्ट्र अपनी रक्षा नहीं कर पाता, क्या दुनिया उसकी बात सुनेगी क्या? नए भारत की रक्षा नीति क्या हो, कांग्रेस या दूसरे महामिलावटी अपनी सभाओं में क्या एक बार भी उन्होंने इस विषय में एक भी बात बताई है क्या? बताई है क्या? भाई और बहनों, ये नहीं बताएंगे, क्योंकि इनका अतीत ऐसा है कि राष्ट्र रक्षा पर ये कुछ नहीं बोल पाते। साथियों, 2014 से पहले आए दिन पाकिस्तान हमारे जवानों के साथ बर्बरता करता था, लेकिन केंद्र में बैठी कांग्रेस की सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती थी। आए दिन आतंकी हमले होते थे, लेकिन कांग्रेस की कमजोर सरकार सिर्फ और सिर्फ बयान देती थी। आपने, और मैं विशेष रूप से देशवासियों को हमेशा आदरपूर्वक स्मरण करता हूं, आपने जो मजबूत सरकार दिल्ली में बनाई, उसने अपने शूरवीरों के भुजाओं में नई ताकत दे दी, उनके हाथ खोल दिए। अब हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए, और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एयर स्ट्राइक करके हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा है। जो आतंकी कभी हमें डराते थे, वो आज दुबक करके बैठे हुए हैं। तो आतंकवाद पर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे।